नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलजीत। आज वर्ल्ड किडनी डे है। किडनी यानी कि गुर्दा। गुर्दा हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। हम जितने भी द्रव्य पदार्थ, दूध, अल्कोहल, पानी, चाय या जितने भी हम द्रव्य पदार्थ लेते हैं, उन सबको जो हमारा गुर्दा है, जो हमारी किडनी है, फिल्टराइज करता है, मूत्र बनाता है, खून बनाता है, सोडियम पोटेशियम जितना भी हमारा गंदा जो अंदर का जो रहता है पानी, उसको फिल्टराइज करता है। और किडनी प्रत्यारोपण यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट को लेके लोगों के मन में बहुत ही गलत धारणाएं हैं। मेरा मानना यह है कि मैं खुद एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। 2001 में मेरा फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और आज 18 साल हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और यदि आपके आसपास, आपके घर में, आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसकी किडनी ख़राब हो गई है और वो इस समय डायलिसिस की स्थिति में है, डायलिसिस के लेके भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जब किसी भी बच्चे की या किसी भी महिला की या किसी भी व्यक्ति की किडनी ख़राब हो जाती है, तो वो उसका यूरिन पास नहीं होता, वो पेशाब नहीं कर पाता, क्योंकि किडनी ही जब डैमेज हो जाती है तो पेशाब उसका बनता नहीं। उसका पेशाब पूरी बॉडी में, ब्लड में मिक्स हो जाता है। उस ब्लड में से उस गंदे द्रव पदार्थ को निकालने के लिए मरीज का डायलिसिस किया जाता है। और डायलिसिस कर करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर डायलिसिस होगा तो जो मरीज है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उसका किडनी प्रत्यारोपण यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डायबिटीज़ भी था उनको, ब्लड प्रेशर भी था, ये दोनों किस चीज़ से उनको हार्म हुआ है पता नहीं, बट एक बार किडनी का प्रॉब्लम आ गया तो सब प्रॉब्लम आते जा रहा है। अभी जब पता चला तो मुझे ज़रा फील हुआ, शादी होके एक साल भी नहीं हुआ था हम लोगों का। आफ्टर 7 मंथ्स ये बीमारी का पता चल गया है, तो एक्चुअली इट वाज अ शॉकिंग न्यूज। अभी मेरे तो एज तो 24 इयर्स है, उतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि मैं, क्या ऐसा लगता है कि ठीक है, तो तभी ऐसा लग रहा था मुझे कि इतना छुट्टी फिर भी ऐसा हो गया। Yeah, I used to take painkillers. Then all of a sudden I started feeling weak and became pale. So when I went to the doctors, they told me that this has affected your kidney. I couldn't walk for more than a year. मैं केएम में गया तो उधर पता चला कि किडनी दोनों खराब हो गया। तो मेरा इतना कंडीशन ख़राब था कि दो आदमी मेरे को पकड़ के लेके जा सकते थे और लेके आ सकते, रिक्शा में डाल के लेके जाते थे। मैं भी बहुत सोचता था मेरा ये सब का कुछ नहीं हुआ, मेरा ही हुआ, ऐसा करके बहुत डिप्रेशन में था मैं। मेरे को डायबिटीज जूना था, 12-15 साल। आई वॉज नॉट एबल टू एनी डायग्नोसिस फॉर दैट। नहीं, ये होने के बाद तो एब्सोल्युटली आई वॉज लाइक इन ए प्रिजन। इन बिटवीन आई वॉज थिंकिंग कि आई विल गो नाउ, आई विल नॉट बी बिफोर डायलिसिस, आई विल नॉट बी नो मोर फॉर द फ्यू मंथ्स ओनली। तो इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों के मन में जो गलत धारणाएं हैं, मैं यही कहूँगा यदि आपके आसपास या आपके रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको किडनी की ज़रूरत है, तो दोस्तों भगवान ने हम सबको, महिला हो या पुरुष हो, सबको दो किडनी दी है और एक इंसान एक किडनी पे अपनी पूरी लाइफ जी सकता है। तो क्यों ना हम दूसरी किडनी उस व्यक्ति को दें जो इस समय ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जो डायलिसिस पे है, उसे भी जीने का हक है। तो मेरा यही मानना है कि यदि आपके आसपास या रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिसको किडनी की ज़रूरत हो, तो आप अपनी एक किडनी उसको दे के उसको भी जीवन दान दे सकते हैं। किडनी दान, महादान, जीवन दान। मेरी माता जी ने मुझे किडनी दान दिया, आज उनकी डोनेट की हुई किडनी से मैं जिंदा हूँ। और जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि नियमित रूप से अपनी दवाइयों का सेवन करें, अपनी रिपोर्ट करवाएं, और कोई भी जरा से भी कोई भी इन्फेक्शन होने पे अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, बिना डॉक्टर के अपनी कोई दवाई ना खाएं, बाहर की कोई भी दवाई ना खाएं। और जो सामान्य व्यक्ति है, जो स्वस्थ हैं, यदि दोस्तों किडनी डैमेज होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी माना गया कि सर दर्द होने पे,
जुखाम ऑन होने पे, खांसी होने पे या ज़रा सा बॉडी पेन होने पे आप जो पेन किलर खाते हैं, जो मेडिसिन खाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं उन मेडिसिन खाने से भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे इफ़ेक्ट होता है, उससे भी किडनी ख़राब होती है। तो यही मेरा आप सबसे आज वर्ल्ड किडनी डे पे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, दिन में कम से कम 8 या 10 गिलास पानी पिएं, और यदि आपको प्रेशर बनता है यूरिन पास करने का तो कभी अपने पेशाब को रोके नहीं, खुल के पेशाब करें, कभी भी रात को सोते समय उठ के आराम से पेशाब करें, और रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी पिए, सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पिए। तो यही मैं आप सबको आज वर्ल्ड किडनी डे पे सलाह देता हूँ कि पानी से आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, पानी पीने में कंजूसी ना करें, और जितने भी पेशेंट हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील प्रकाश जी और डॉक्टर यूबी भारद्वाज जी और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।